बात गर्मियों के मौसम की है। तोतो और उसके माँ पापा एक हरे भरे पेड़ पर रहते हैं। छोटा सा तोतो एक दिन उस पेड़ की डाली पर बैठा सोच रहा था कि इतनी गर्मी में वो क्या करे। उफ, इतनी गर्मी हो रही है, आखिर मैं क्या करूं? कहां जाऊं? बैठे बैठे पक गया हूं। यही सोचते सोचते अचानक वो खुशी से उछल पड़ा और उड़कर तोतो ने आसमान में एक चक्कर लगाया। ये क्या आइडिया है! अरे क्या हुआ तोतो, तुम एकदम से कैसे उछल पड़े? माँ इतनी गर्मी है, क्यों ना हम किसी ठंडी जगह पर घूमने जाए, किसी ठंडी सी जगह पर। इससे हमें थोड़ी राहत भी मिल जाएगी और हम बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। साथ ही मुझे बड़े आसमान में ऊंचा उड़ने का मौका भी मिलेगा। यहाँ तो बस इस पेड़ पर सारा दिन चुपचाप बैठे कितना बन सा गया हूँ मैं। तो तुम बोल तो सही रहे हो, तुम्हारा घूमने का आइडिया तो अच्छा है। ठीक है चलो हम सब घूमने चलते हैं। ये हम सब घूमने जाएंगे। अरे रुको रुको, जरा ठहरो। इतने दिनों के लिए हम बाहर रहेंगे तो हमें कुछ तो दाना पानी चाहिए होगा, नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? हाँ ये बात तो है, तो चलो पहले हम सब खाना इकट्ठा करते हैं। रुको, आप में से खाना लेने कोई नहीं जाएगा, बस मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा वो भी अकेले। तो जिद करने लगा और उसके जिद के आगे किसी की भी नहीं चली। खाना ढूंढने जाएगा तो तोतो ही जाएगा, बस तोतो भी ना। तो दोस्तों देखो आगे क्या हुआ। ठीक है तुम इतनी जिद कर रहे हो तो तुम जाओ सामने वाले बगीचे में जो नीम का पेड़ है वहाँ से दाईं ओर मुड़ जाना और सीधा उड़ते जाना और फिर वहाँ से। अरे माँ मुझे पता है कहाँ से जाना है, कहाँ मुड़ना है, आप ज्यादा मत बताओ मुझे, मुझे सब पता है। ये तो मेरी पूरी बात सुने बिना ही उड़ गया, उफ क्या करूँ मैं इसका। अरे ये कहाँ आ गया मैं, मुझे मुड़ना कहाँ से था, इस तरफ या उस तरफ? देखा तो और मत सुन माँ की बात, भूल गया ना रास्ता। अब सोच तुझे किधर जाना था, इधर या उधर, आखिर किधर जाना था? यही सोचते सोचते वो परेशान हो गया और रास्ते में खो जाने की वजह से वो अपने पेड़ पर वापस आ गया। तो तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, क्या हुआ? ओहो पापा आपने मुझे रास्ता ठीक से क्यों नहीं बताया, मैं तो रास्ता भूल ही गया। हमें पता था तुम भूल जाओगे, तुम्हारी माँ तुमको रास्ता बता रही थी और तुम बिना उनकी पूरी बात सुने ही चले गए, अब तुम हम पर गुस्सा हो रहे हो, वाह जी वाह। सॉरी माँ, सॉरी पापा, आप प्लीज मुझे अब रास्ता बताइए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम परेशान मत हो, मेरे पास तुम्हारी मदद के लिए कुछ है। ये लो, ये मैंने कुछ देर पहले ही बनाया है। क्या है इस पेपर पर पापा? ये एक मैप होता है तोतो, इस मैप यानी नक्शे की मदद से तुमको पता चल जाएगा कि तुमको किस तरफ जाना है, किस ओर मुड़ना है, कितनी दूर तक उड़ना है। इसको ध्यान से देखो और समझो, इससे तुमको रास्ता भी मिल जाएगा और खाना भी मिल जाएगा। ओके थैंक यू पापा।
ये देखो, ये फिर इस बार बिना नक्शा पढ़े और नक्शे में दिए रास्ते को समझे बिना उड़ गया। वो फिर परेशान होकर वापस आएगा। अच्छा, यहाँ से सीधा फिर यहाँ मुड़ना है, पर किस तरफ? ओफ, मैं इतना छोटा हूँ कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब फिर वापस घर जाऊंगा तो पक्का डांट पड़ जाएगी। क्या करूँ? अपने दोस्तों से मदद लूँ क्या? पूछता हूँ। दोस्तों? हाँ जी, आप सब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? दोस्तों, तो आपसे मदद चाहता है। आपके सामने एक मैप दिया गया है और रास्ता भी लिखा है। इसे पढ़कर सही ब्लॉक पर क्लिक करते हुए रास्ता बताइए। चलिए शुरू करते हैं। तोतो के लिए नक्शे में दी गई जानकारी को पढ़िए। तोतो का सफर। सही ब्लॉक पर क्लिक करते हुए उसे रास्ता बताइए। चार ब्लॉक्स सीधा। चार ब्लॉक्स दाईं ओर। तीन ब्लॉक्स बाईं ओर। दो ब्लॉक्स बाईं ओर। तीन ब्लॉक्स दाईं ओर। चार ब्लॉक्स दाईं ओर। दो ब्लॉक्स बाईं ओर। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी बहुत अच्छे से मदद की।